सो हेलो गाइज, क्या आप जानते हो कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 90% लोगों के पास अपना आधार कार्ड मौजूद है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आधार कार्ड की शुरुआत यूपीए सरकार में हुई थी, लेकिन इसको बनवाने की ज़रूरत इसके लॉन्च होने के कुछ सालों बाद पड़ी, जब देश के कई जरूरी सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया था। अब शायद ही कोई ऐसा सरकारी काम होगा जिसमें आधार कार्ड की जरूरत ना पड़ती हो। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर सरकारी नौकरी में आवेदन देने तक सभी कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड पाने वाला व्यक्ति कौन था और सबसे पहला आधार किसका बना था और कब बना था। आप सोच रहे होंगे कि जिसका आधार कार्ड सबसे पहला मिला होगा वह कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला आधार कार्ड पाने वाला व्यक्ति कोई आदमी नहीं था, बल्कि गांव में रहने वाली एक महिला थी, जिनका नाम है रंजना सोनवाने। इनके गांव का नाम है टेम्भली, जो पुणे के करीब 47 किलोमीटर की दूरी पर दूर दराज इलाकों में है। इनको साल 2010 में आधार कार्ड मिला था। भले ही रंजना सुनवाने दिहाड़ी मजदूरी है और गांव के मेले में खिलौने बेचने का काम करती है, लेकिन अब उनकी अनूठी पहचान है। वह आधार कार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो अब जान गए होंगे कि पहला आधार कार्ड भारतीय महिला रंजना सुनवाने को मिला था। क्या इसके पहले आपको ये सब बातें पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Yeah!